अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3, कंसंट्रेशन यूनिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसंट्रेशन होती क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, मीन अगर आप कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट आपने ऐड किया हुआ है, उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। और यू कैन से अमाउंट ऑफ द सोल्यूट की अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के साथ रेशो, या अमाउंट ऑफ द सोल्यूट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट के साथ रेशो, यानी कि कितना सॉल्वेंट लिया जिसमें आपने सोल्यूट डिजॉल्व किया और सोल्यूशन बनाया है। पॉसिबल है कि आप सोल्यूट और सॉल्वेंट की रेशो ले रहे हो, या सोल्यूट और सोल्यूशन की रेशो ले रहे हो, दोनों का मतलब सेम ही है। हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के साथ और सॉल्वेंट के साथ कैसे डिफरेंट है। डिफरेंट यूनिट्स कंसंट्रेशन मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, जैसा कि मोलैलिटी हो गया, पार्ट्स पर मिलियन हो गया, पार्ट्स पर बिलियन हो गया, मोलैलिटी हो गया, परसेंटेज हो गया, जिनमें से आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज किस चीज की परसेंटेज? सॉल्यूट की परसेंटेज कि वो 100% ऑफ द सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना यूज किया गया है। हम कहेंगे कि कितना सॉल्यूट यूज किया गया है इतना सॉल्यूशन बनाने के लिए। परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूट हम मैस में भी मेजर कर सकते हैं और वॉल्यूम में भी। मैस में हम तब मेजर करते हैं जब हमारा सॉल्यूट सॉलिड में होता है, लेकिन अगर हमारा सॉल्यूट लिक्विड में हो, फॉर एग्जांपल आप ऑयल इन वाटर कर रहे हैं, अब ऑयल हमारे पास है लिक्विड में, तो लिक्विड का मैस हम नहीं मेजर करते बल्कि लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करते हैं। सो हम कहते हैं कि मैस और वॉल्यूम दोनों मेथड से हम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट मेजर कर सकते हैं। मैस कब करेंगे? जब हमारा सॉल्यूट सॉलिड है। और वॉल्यूम कब यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए? जब हमारा सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारा सॉल्यूशन सॉलिड में बने, ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारा सॉल्यूशन लिक्विड में बने। तो देखते हैं कि इनमें किस तरह से डिफरेंट यूनिट्स यूज किए गए हैं। पेपर में कंसंट्रेशन यूनिट में से पूछा जाता है एमसीक्यू कि जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूट और सॉल्यूशन की रेशो है, या सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की रेशो है, या सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की है, या सॉल्यूट और सॉल्वेंट की है, ऑल भी पूछा जा सकता है। सो आपने इसको सॉल्यूट टू सॉल्यूशन कह सकते हैं या सॉल्यूट टू सॉल्वेंट कह सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। रॉन्ग कौन सा होगा? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की रेशो, ये रॉन्ग होगा। फिर परसेंटेज में वो आपसे पूछते हैं कि मैस और वॉल्यूम से हम मेजर कर सकते हैं, या इसको कोई और यूनिट आपसे दिया गया हो सकता है कि सॉल्यूट की परसेंटेज आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं, बाय मैस या बाय वॉल्यूम। फर्स्ट है फिर इसका कि अगर आपका सॉल्यूट भी सॉलिड है, मैस टू मैस परसेंटेज का मतलब है कि हाउ मच मैस मीन हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व किए गए हैं 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। लेट्स सपोज कि आपके पास 100% सॉल्यूशन है, उस बात का मतलब है कि 10% आपके पास अगर शुगर सॉल्यूशन है, 10% का मतलब है कि उसमें 10% शुगर है, बाकी 90% उसमें वाटर ऐड किया गया है। 10 ग्राम शुगर है, बाकी 90% मीन 90 ग्राम वाटर है, और टोटल हमारा 100% सॉल्यूशन है 100 ग्राम। फॉर्मूला पूछा जाता है कि मैस ओवर मैस रेशो को मैस ओवर मैस परसेंट को डिफाइन करें और साथ में उसकी मेजरमेंट के लिए फॉर्मूला दें। तो देखिए, मैस ओवर मैस यानी कि सॉल्यूट का भी मैस लेंगे और सॉल्यूशन का भी मैस लेंगे। मैस ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तो हमारे पास कैसे आएगा? सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सम करके। हम कहेंगे मैस ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मैस ऑफ द सॉल्यूट प्लस मैस ऑफ द सॉल्वेंट। मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, चूंकि परसेंटेज ले रहे हैं। उसके बाद आता है परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम, यानी कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट हैव बीन डिसॉल्व टू प्रिपेयर 100 cm³ ऑफ द सॉल्यूशन। ऊपर मैस है, ऊपर का मतलब है मैस ओवर वॉल्यूम है। ऊपर वाला नोमिनेटर का मतलब होता है कि आपका सॉल्यूट कितना है। डिनोमिनेटर का मतलब है कि आपका सॉल्यूशन कितना बन रहा है।
अब आपने मैस लिया है सोल्यूट का, तो हम कहेंगे हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द सोल्यूट हैव बीन डिजोल्व। अब नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को ऑब्वियसली हम सेंटीमीटर क्यूब में मेयर करते हैं, परसेंट है तो हम 100 का वर्ड यूज करेंगे। हम कहेंगे इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। उन्होंने फिर एग्जाम्पल दी है कि अगर 10% मास ओवर वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन मेजर कर रहे हैं, मास ओवर वॉल्यूम इसका मतलब है सॉल्यूट का आपका मास में होगा 10% का मतलब है 10 ग्राम होना चाहिए, और सॉल्यूशन बनता है आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें आपने क्या करना होता है कि लेट्स सपोज इसको बनाते हैं कि कैसे 10% बनेगा। आपके पास ना एक फ्लास्क है, उस फ्लास्क में आप 10 ग्राम शुगर ऐड करते हैं, और उसके बाद ना इतना सुफिशियंट अमाउंट ऑफ द वाटर ऐड करेंगे, यानी कि इतना वाटर ऐड करते रहेंगे जब तक के टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब ना हो जाए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 10% मास ओवर वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन में वाटर कितना ऐड किया है, तो नहीं पता हमें, अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट का नहीं पता होता कितनी है, बस हमने इतना वाटर ऐड किया है 10 ग्राम शुगर में कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। फिर उसका फॉर्मूला पेपर में पूछा गया है, ऊपर मास है यानी कि सोल्यूट को मास में मेजर करना है, मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, निचली नीचे वाला जो फैक्टर होता है डिनोमिनेटर वो सोल्यूशन के लिए होता है, तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन किसमें, वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करेंगे, परसेंटेज है सो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ओवर द मास, वॉल्यूम ओवर मास मीन आपका सोल्यूट मैयर किया गया है सेंटीमीटर क्यूब में, और टोटल जो सोल्यूशन बनता है वो आपका ग्राम्स में मैयर किया जाएगा। हम कहेंगे इट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। एग्जाम्पल है कि अगर आप 10% वॉल्यूम बाय मास अल्कोहल सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, अब यहाँ पहले हम शुगर सोल्यूशन कह रहे थे क्योंकि हमारा सोल्यूट दोनों दफा ग्राम्स में था, सोल्यूट दोनों दफा मैस में था, मैस ओवर मैस परसेंटेज थी, मैस ओवर वॉल्यूम थी, इसका मतलब है सोल्यूट दोनों दफा मैस में लेना था, ग्राम में लेना था, सॉलिड था, सो हमने शुगर का वाटर में ऐड किया। लेकिन अब चूंकि वॉल्यूम ओवर मैस है तो आपका सोल्यूट लिक्विड होना चाहिए, दैट इज द रीजन कि उन्होंने अल्कोहल सोल्यूशन लिया है। अल्कोहल सोल्यूशन इन द वॉटर का मतलब कि 10% अल्कोहल आपने डिजोल्व किया है वॉटर में कि टोटल मैस 100 ग्राम हो गया। इट मींस कि आपको यहाँ पे भी सॉल्वेंट की अमाउंट नहीं याद पता, जैसा कि पिछली दफा हमें मैस ओवर वॉल्यूम में नहीं पता था, अब वॉल्यूम ओवर मैस में भी आपने 10% अल्कोहल ऐड करना है, इतनी इतना उसमें वाटर ऐड करना है कि टोटल मैस 100 ग्राम हो जाए। यहाँ पे हम मैस मैयर करेंगे वॉल्यूम नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ओवर मास है तो सॉल्यूशन हमारा मास में आएगा, सो हम 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में इतना वाटर ऐड करेंगे कि टोटल जो मास है वो 100 ग्राम हो जाए। देन है वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज, इट मींस कि सॉल्यूट भी आपका वॉल्यूम में है, सॉल्यूट भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में है, और सॉल्यूशन भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में है। हम कहेंगे इट इज अ वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूट, यानी कि हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूट हैव बीन डिजोल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। एग्जाम्पल है कि अगर 30% अल्कोहल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल को आपने इतने अमाउंट ऑफ द वाटर में डालना ऐड करना है कि टोटल वॉल्यूम हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब में हो जाए। अब तीनों दफा हमें अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट नहीं पता थी, हमने 30% है अगर तो 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाला और उसमें इतना वाटर ऐड करते रहना है जब तक कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब ना हो जाए। इसके लिए हम फॉर्मूला करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, दोनों को सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और ये आ गया वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम परसेंटेज। एक्सरसाइज में भी ये न्यूमेरिकल है और एग्जाम्पल भी न्यूमेरिकल है, सो आपको ये फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि अगर हम मैस ओवर मैस फाइंड आउट करते हैं, मैस ओवर मैस परसेंटेज, तो हम कहते हैं मैस ऑफ द सोल्यूट, मैस ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100।
मैस ओवर वॉल्यूम का मतलब है मैस ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। वॉल्यूम ओवर मैस का मतलब है हमारा सोल्यूट वॉल्यूम में है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम का है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, दोनों को हम सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं, परसेंटेज है सो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।